तो छत्तीसगढ़ जो कि भारत के अंदर है, उस राज्य के अंदर एक कोयल माइन है जहां मैं अभी आया हूं। और क्या ही शानदार कोयल माइन है। सो गाइस, हमारी बस ने हमें कहीं यहां पे उतारा है। बस गाइस, एज पर माय प्लान, ये जो पीछे नदी है ये सूखी होनी चाहिए थी और इसके सारे में आगे बढ़ने वाला था, बट ये फुल्ली फ्लडेड है। थोड़ी देर आराम करने के और काफी सोचने के बाद डिसाइड कर लिया है कि यही रास्ता होने वाला जो मैं लेने वाला हूँ। साइड में रिवर है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में नक्सली तो होते हैं, बोलने में डर लग रहा है, बट लेट्स होप कुछ ना हो। देयर जस्ट अ पाइप, मुझे लगा स्नेक है इतना मोटा। शिट, बैरिकेडिंग। सो आई हैव एंड अप हेयर इन धान के खेतों में। इधर कहीं मेरा रास्ता है बट ऐसे चल नहीं पाऊंगा यार मैं। सो गाइस, बड़ी मुश्किल से उस जगह से बाहर निकले। यहाँ से देखते हैं किस साइड है और रास्ते जगह में जाना है और फिर चलते हैं। इसमें क्या कोयला भरते हो आप लोग? हाँ, इसमें कोयला भरते हैं सर। तो भर के लेके आते हो वहाँ से? हाँ, लेके आ रहे हैं, एयर ले लिए है। कहाँ से लेके जाते हो आप लोग? इनमें कितना चक्कर जाता है? मिल के अच्छा लगा आपसे। और ये ट्रक में भरा हुआ है और ये वो ट्रक है जो कोयला लेके आते हैं। सो गाइस, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर बचे हुए हैं और धूल इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि मुझे ये लगाना पड़ा। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक था, अभी तो ब्रीथ करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। तो छत्तीसगढ़ जो कि भारत के अंदर है, उस राज्य के अंदर एक कोयल माइन है जहाँ मैं अभी आया हूँ। और क्या ही शानदार कोयल माइन है। और ये ट्रक्स की लाइन लगी हुई है। आपकी बारी नहीं आई भैया? अच्छा, कब तक बारी आती है वैसे? 1-2 घंटे में आ जाती है। जैसे कि पूरी रात मुझे इसके अंदर बिताना है तो पहले अंदर जाना पड़ेगा। सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो ये वाला रास्ता है मेरे पीछे, पर आगे चेक पोस्ट है और पुलिस वाले बैठे हुए हैं, तो हर ट्रक को चेक करके अंदर भेजते हैं। सो दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि ये मेरे सामने, यहाँ से मैं नीचे उतरूँ और इसके सारे ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ता रहूँ। ज़रा दर्द नहीं हो रहा। इतना बड़ा कोयला शायद ही मैंने कभी देखा है। अमेजिंग। खैर, यहाँ तो ये तो बहुत छोटा सा है, इस माइन के हिसाब से तो ये कोयला कुछ भी नहीं है। सो गाइस, शाम करीबन 5 बज चुके हैं और सनराइज भी होने वाला है। खैर, यही रास्ता है जिससे वो जो ट्रक है वो सब ऊपर आते हैं और यहाँ से पीछे घूमते हुए खरसिया रेलवे स्टेशन जाते हैं। सो यहाँ से आगे चलते हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी धुआं उठ रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो जो धुआं है वो बहुत ही जहरीला है, बहुत ही हालत ख़राब कर देने वाला है। सो मुंह पे कुछ लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें ब्लास्टिंग का समय लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ब्लास्ट किया जाता है ज़मीनों को तोड़ने के लिए डायनामाइट वगैरह से। वाओ, चलते हैं आगे तक। जहाँ धुआं निकल रहा है मुझे वहाँ जाना है, मुझे देखना वहाँ धुआं कैसे निकल रहा है।
यहाँ पानी भी है, खैर पीने लायक तो नहीं है बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक मिनट खड़े होते ही पूरे पैर गर्म हो गए। यहाँ पे आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है। सो गाइस फाइनली यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ से माइनिंग हो रही है। ये गैस बहुत जहरीली है, सांस लेने में प्रॉब्लम तो हो ही रही है। लेट्स गो, थोड़ा और क्लोज चलते हैं उनके। वैसे जैसा मैंने ऊपर पढ़ा, यहाँ पे ये लोग ब्लास्ट भी करते हैं 1 से 4, शायद वो 1 से 4 दोपहर का टाइम था, रात का नहीं था। हो सकता है रात का हो, दोपहर का ना हो। और ब्लास्ट भी यहाँ नहीं करते होंगे, ब्लास्ट भी बिल्कुल नीचे करते होंगे, बिकॉज नीचे ये जो है, यहाँ तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा खुदाई करके, आप अगर देखोगे ना यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा लेवल तक खुदाई करके यहाँ से निकाल लिया गया है। यहाँ तक कि मैंने कहीं पढ़ा भी था कि हर माइन की एक लिमिट होती है कितना कोयला है उसमें, वो निकलने के बाद उसको ऐसे छोड़ देते हैं। ये देख रहे हो कितने सारे से टूट रहा है ये। हाउ अबाउट दिस वन, इसको मारो कहीं ये टूट जाए और ये पूरे नीचे मलबा आ जाए। हाउ सनसेट व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, क्या ही अमेजिंग सनसेट हो रहा है इस कोयला माइन में। व्हाट डू यू थिंक? फिलहाल मुझे दिख रहा है कि इन पाइप के सहारे कैसे पानी इसमें डाला जा रहा है। मतलब ये पानी यहाँ ज़मीन से नहीं निकला हुआ है, पानी यहीं पर है, यहाँ से लाया जाता है वहाँ से पाइप के ज़रिए। और लाने के रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर आग लगना बहुत आसान होता है, बहुत आम बात होती है। तो वहाँ पर 2 लोग खड़े हुए हैं उस टैंक के इस्तेमाल से, और इस पानी को सीधा यहाँ से लेके वो पानी डाल के वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस शाम हो चुकी है, अंधेरा भी होने वाला है, बेड का इंतजाम कर लिया मैंने, मैं दिखाता हूँ आपको। सो ये हमारे सामने कोयल माइन, और ये रहा मेरा आज का बेड। ये जो हिस्सा है ये रेक्टेंगल, जितना मुझे लगता है रात में ना यहाँ पे अंधेरा नहीं होगा, बिकॉज साइड मुझे लाइट दिख रही है। और मुझे लगता है कि रात के टाइम ये लाइट जला देते हैं ताकि यहाँ बीच में उजाला रहे। साथ ही वो जो ब्लास्टिंग लिखा हुआ था, मुझे लगता है ब्लास्टिंग दिन में नहीं रात में होती होगी, तो रात करीबन 1:30 बजे ब्लास्ट होंगे। आई डोंट थिंक ये वाली जगह जहाँ मैं ये ब्लास्ट होगा, ब्लास्टिंग शायद वहाँ नीचे होगी, बट लक पे डिपेंड करता है यार, कहीं मैं किसी को ये वीडियो दिखाने के लायक ही ना बचूँ। लेट्स सी। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ लोगों को देख के, तो लग रहा है मैं अकेला नहीं हूँ। अभी ये सब धीरे धीरे जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो व्हाइट वाली गाड़ी है, किसी अफसर की गाड़ी है, किसी इंजीनियर वगैरह की गाड़ी है, वो जा रही है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। बाकी तो वो भाई साहब अपना काम में लगे बड़े आग बुझाने के। वैसे साथ ही मैंने डिनर का इंतजाम भी कर लिया है, डिनर में आज है 1 ओरियो, 1 5-स्टार एंड 1 मेलोडी, एंड शायद पानी होगा, ऑफ कोर्स थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि जो ट्रक हैं वो अभी भी लाइन से खड़े हुए बारी का इंतजार करने के लिए, मतलब ये पूरी रात चलने वाली है जितना मुझे लगता है ना। गाइस रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन काम बंद नहीं है। लाइट्स मुझे उम्मीद थी जलेंगी, जली हुई है, और बहुत ही कम रोशनी है। सो गाइस टाइम हो रहा है करीब 7:40, और नींद भी काफ़ी आ रही है, कुछ करने को भी नहीं है, तो चलते हैं सोते हैं। आई होप नींद ना खुले, बीच में अगर नींद खुलती है तो आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे जो गैस है वो बहुत ज़्यादा ही जहरीली है फॉर श्योर। बिना मास्क के या फिर बिना इस कवर के अगर मैं यहाँ पे 2 मिनट भी रहता हूँ तो मुझे खांसी आनी शुरू हो जाती है। फिलहाल टाइम की बात करें तो जैसे पता है 7 बज रहे हैं, चलते हैं एक नैप लेते हैं, सोते हैं। सो गाइस बस अभी नींद खुली और सामने मुझे एक अजीब सी चीज़ दिख रही है। और सामने उस तरफ कहीं अगर आप देखोगे, वहाँ पर देखो, वहाँ पे आपको एक फायर सा दिखाई देगा,
वहाँ पे लिटरली आग लगी हुई है इस वक्त ब्रिजेस के बीचों बीच। खैर माइनिंग काम अभी चल रहा है, रात के करीब 11:30 बज चुके हैं, 11:30 बजे भी माइनिंग बंद नहीं हुई है। ट्रक्स आ रहे हैं, लोड कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो शायद ये एक ऐसा कोयला माइन है जो 2400 घंटे काम करता है। सो गाइस टाइम करीब 12:30 बज चुके हैं और फिलहाल तो नींद नहीं आ रही, एक बार मैं सो के उठ चुका हूँ। वैसे बात करें इस कोयल माइन की तो ये आता है SECL के अंदर, जिसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्टर्न कोयलफील्ड लिमिटेड। SECL 1985 में फाउंड हुआ था और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। वैसे SECL के अंदर टोटल 92 माइंस आती हैं, जिसमें से 21 ओपन कास्ट माइल्स हैं, 17 अंडरग्राउंड माइल्स हैं और एक है वो मिक्स्ड माइल है। और जैसे मैंने बताया फिलहाल इसका मालिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सो ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जहाँ पे इस वक्त मैं खोटा गाड़ के बैठा हुआ हूँ इलीगली, शायद पकड़े जाने पे जेल भी हो सकती है। चलते हैं फिर ट्राई करते हैं सोने का, 12:30 बज चुके हैं, करने के लिए कुछ है नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, अचानक से नींद खुली, सुबह करीबन 3:58 यानी कि सुबह के 4 बज चुके हैं। ठंड लग रही है, टेम्परेचर इज 21 डिग्री सेल्सियस और खुले में सो रहा हूँ तो ऑफकोर्स ठंड तो लगेगी 21 डिग्री सेल्सियस के अंदर। एंड एज एक्सपेक्टेड माइनिंग स्टिल गोइंग ऑन और जहाँ पर रात में आग लगी हुई थी, जो मैंने जगह देखी थी, वो आग और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि रात पर उसको किसी ने बुझाया नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 6 AM, माइनिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, ट्रक्स का आना जाना लगा रहता है। स्मेल जो है रात के टाइम में बहुत ज़्यादा नहीं आती है। सो गाइस इस कोल फील्ड से निकलने के बाद इस साइड भी एक कोल फील्ड है जो कि अबेंडेंड है, चलता नहीं, सोच रहा हूँ वहाँ जाने का सोच रहा हूँ। मुझे ये किस टाइप का फ्यूल लग रहा है, इसमें से अजीब सी स्मेल आ रही है, देखते हैं क्या यार, इसका टेस्ट करेंगे डेली पहुँच के, रख लेते हैं इसको मेरे पास। वैसे गाइस चलते चलते मैं पहुंचा हूं एक और कोयल फील्ड के पास जो कि टेम्प्रेरी क्लोज्ड है, ये देखो कुछ इस प्रकार का है ये। और ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है ये इनका स्टोरेज एरिया है, वहाँ से कोयल ला के यहाँ पे वो लोग स्टैक करते हैं ताकि ज़रूरत के टाइम पे यहाँ से वो सीधा निकाल सके। सो गाइस इतनी दूर आए हैं तो सोचा जो उसके पीछे कोयल फील्ड है उसको भी देख ही लेते हैं। मैप में बहुत अच्छा सा लग रहा है वो सैटेलाइट व्यू पे कि यहाँ से रास्ता पता निकाल के जाएगा, हम यहाँ से चलते हैं। पहुँचा हूँ एक ऐसे कोयल फील्ड के पास जो कि है तो कोयल फील्ड जिसके नीचे बहुत ज़्यादा कोयला है, पर इसका इस्तेमाल खैर अभी नहीं होता है, अभी जो पीछे वाला है उसमें ही माइनिंग करी जा रही है, इसमें माइनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। फिर इसका एरिया देख के लगता है अगर इसमें आज माइनिंग शुरू होती है अगले 20-25 साल तक माइनिंग ख़त्म नहीं होगी, इतना ज़्यादा कोयला है यहाँ पे। सो गाइस इस ब्लॉग और इस एडवेंचर के लिए इतना ही, ज़रूर मिलते हैं अगले एडवेंचर में बहुत जल्दी किसी और जगह को एक्सप्लोर करते हुए। गला बैठ गया, हम सॉरी। शेयर विद योर फ्रेंड्स, यार बताओ उनको कि ऐसे कोयला माइंस हैं हमारे देश के अंदर जितना ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करते हैं, एक बार शुरू हो जाएँ तो 25-30 साल तक उनसे कोयला निकलता ही रहेगा और देश की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। सो संसाधन बहुत है हमारे देश के अंदर, बस इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। फिलहाल आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खैर यहाँ पे आने के लिए मैंने ट्रेन ली थी दिल्ली से खरसिया तक, अगर वो व्लॉग नहीं देखा तो वो व्लॉग भी देख लो,
जरूर मजा आएगा। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं देश के हर कोने पे कुछ और एक्सप्लोर करते हुए विद उज्ज्वल द एक्सप्लोरर के साथ। बाय बाय फॉर नाउ।